अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अमरोडेलिया सिरप के बारे में, इसका कंटेंट, इसका साइड इफेक्ट, इसका डोज, इसका मार्केट प्राइस और इसके फ़ायदे के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अमरोडेलिया सिरप के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। दोस्तों अमरोडेलियस जिसको एरिस्टो कंपनी मैनुफैक्चरिंग करती है, अरिस्टो कंपनी इसे बनाती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अरिस्टो कंपनी है जो इसे बनाती है, बहुत जानी मानी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसका कंटेनर दोस्तों एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड सल्बूटामॉल, इसका यह कंटेन है दोस्तों। एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड है 15 mg एंड दोस्तों सल्बूटामॉल है 1 mg, यह इसका कंटेन है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके मार्केट प्राइस की, मार्केट प्राइस क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मार्केट प्राइस यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है, आप भी देख सकते हो, मैं बता भी देता हूँ। इसकी मार्केट प्राइस है 25 रुपये 25 पैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो 25 रुपये 25 पैसे इसकी मार्केट प्राइस है। दोस्तों इसकी मार्केट प्राइस है 25 रुपये 25 पैसे, जो कि काम आता है, मतलब ये 100 ml का है दोस्तों, पहले ये जान लीजिए 100 ml का एक सीसी आता है जो कि बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये सूखी खांसी में काम करता है, बहुत बेहतर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ओनली दोस्तों सूखी खांसी या फिर सीने में जकड़न हो, गले में खराश हो, नाक से पानी बह रहा हो, नाक से पानी बह रहा हो, इसमें बहुत बेहतर काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों, ये इसमें काम करता है दोस्तों। और दोस्तों इसके डोज की मैं आपको बता देता हूँ, मतलब इसका डोज क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका डोज है दोस्तों एक अड़तल व्यक्ति 5 से 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार पी सकता है, सुबह शाम दोपहर या फिर सुबह शाम पी सकता है अड़तल व्यक्ति 5 से 10 ml। दोस्तों और इसका कुछ सावधानियाँ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जिसका दोस्तों लीवर संबंधित कोई बीमारी है वो इसे ना यूज करें, या दोस्तों किडनी संबंधित कोई बीमारी है वो भी ना यूज करें, या फिर जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी ना यूज करें दोस्तों, या फिर दोस्तों जो प्रेग्नेंट औरत है वो भी ना यूज करें क्योंकि दिक्कत आ सकती है इसीलिए दोस्तों। और दोस्तों इसके साथ अल्कोहल तो बिल्कुल ना यूज करें, अल्कोहल बिल्कुल नहीं यूज करनी है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, और अपने डॉक्टर से सलाह ले लें उसके बाद ही इसे यूज करें दोस्तों। इसका साइड इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसका साइड इफेक्ट आज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों सर दर्द होना, बदन दर्द होना, शरीर में खुजली होना, शरीर में दाना निकलना, या फिर दोस्तों बहुत सारा है, मतलब बहुत कम है मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों उल्टी गल लगना, या फिर दोस्तों उल्टी आना, ऐसा कोई भी दिक्कत आता है तो आप डॉक्टर से, अपने आसपास के जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह तुरंत ले लें क्योंकि आपको इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ आप कितनी भी सिंपल दवा हो आप डॉक्टर से सलाह वगैरह ना यूज करें, क्योंकि आप यूज करेंगे तो आपको इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये 2 से 3 दिन में आपको फ़ायदा कर देगा, अब आप 5 से 10 ml एक अडल्ट व्यक्ति पियेंगे तो 2 से 3 दिन में ये बहुत बेहतरीन काम कर देगा, खांसी गायब, ख़त्म, खल्लास दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले दोस्तों। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको किसी भी दवा के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका वीडियो बना के आपको भेज देंगे दोस्तों। किसी भी दवा के बारे में जानना है तो आप लिख दीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।